और ओले पड़े हैं तो फसलों को और कौन कौन सी फसलों को किस तरीके का नुकसान हुआ है इसको? अत्यधिक ओलावृष्टि और जो बारिश हुई है इससे सबसे ज़्यादा नुकसान आलू को है। आलू में बारिश पड़ने के बाद झुलसा रोग और गलन की स्थिति पैदा हो गई है और आलू की स्थिति इस प्रकार की हो गई है, जैसे कि मैं अभी खेत से आ रहा हूँ, ये पूरा आलू काला पड़ने लगा है और इस काले आलू की वजह से इस अगर आलू की कीमत को हम लगाएंगे, अगर इसे मार्केट में लेके जाएंगे तो हमें बीज के पैसे भी नहीं मिलेंगे और सारी फसल की लागत की तो बात ही छोड़ दें। तो जो सरसों हैं उसमें अगर बात करें तो ओलावृष्टि से फूल और फली जो उसकी बनती हैं वो सब झड़ गई हैं, तो सरसों में और आलू में अत्यधिक नुकसान। अच्छा, तो इसमें मुआवजा मिलना चाहिए इस तरीके का? मुआवजे की सरकार से अपील करते हैं, जो भी सहायता हो सकती है सरकार की तरफ से गुजारिश करते हैं किसान। और अगर इस समय स्थिति की बात करें तो इस समय तो किसान की लागत भी नहीं निकल रही इस फसल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित सिंह है, गांव कमालपुर, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। किसान ये खेतों में अभी ओला और ये बारिश पड़ी है तो किस तरीके का नुकसान किसानों को होता है ये ओले और बारिश के पड़ने से? जी। क्या कहेंगे इसको लेके? इसको ऐसा है कि मतलब जो हमारे यहाँ बारिश हुई और बारिश होने पे ओलावृष्टि हुई है उससे हमारे सरसों के उस पर नुकसान है, आलू पे नुकसान है और तुम्हारा गेहूँ पे भी असर है इसका। अच्छा, किस तरीके का नुकसान रहता है इन फसलों को लेके? कैसे ऐसा है कि गेहूं पे तो ज़्यादातर मतलब पत्ते और यही मतलब पत्तियों पे ही ज़्यादा चोट करता है और जैसे अब सरसों की जो फसल है वो तैयार है, ऐसे तैयारी के हिसाब से मतलब जो उसकी फली पे नुकसान है। अच्छा, और आलू तो आपकी जो वो है उसकी आलू की जो है तुम्हारी पत्तियाँ हैं ये जो सारा वो नष्ट हो जाता है। तो क्या सरकार की तरफ से मुआवजा भी मिलना चाहिए ऐसे किसानों को? जो मिलना चाहिए ऐसे किसानों को जिनका नुकसान हुआ है। क्या नाम है दादा आपका? मनवीर सिंह।